हार्दिक पांड्या की हमेशा के लिए हो गई है टीम इंडिया से छुट्टी। टीम इंडिया को मिल गया है हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, कौन है वो खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अचानक से बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। रोहित शर्मा टीम इंडिया का T20 कैप्टन बने हैं। 17 नवंबर से टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप में घटिया प्रदर्शन करना टीम इंडिया के खिलाड़ी पर भारी पड़ा है। इस खिलाड़ी का करियर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद सिलेक्टर्स ने हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया से बाहर कर दिया है। हार्दिक पांड्या से परेशान होकर सिलेक्टर्स ने यह बड़ा फैसला लिया है। हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया से बाहर कर सिलेक्टर्स ने IPL 2021 में धमाल मचाने वाले विस्फोटक ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को मौका दिया है। IPL 2021 में शानदार प्रदर्शन कर वेंकटेश अय्यर काफी चर्चा में रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए धमाका करते हुए वेंकटेश अय्यर ने सभी को ध्यान अपने ओर खींचा था। वेंकटेश अय्यर तूफानी बैटिंग के अलावा खतक बॉलिंग भी करते हैं। वेंकटेश अय्यर ने IPL 2021 के 10 मैचों में 128.47 की स्ट्राइक रेट से 370 रन बनाए, जिसमें से 4 अर्धशतक भी शामिल था। दाएं हाथ की फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर बतौर गेंदबाज T20 के रिकॉर्ड शानदार रहा है। वेंकटेश अय्यर ओवरऑल T20 क्रिकेट में 48 मैचों में 24 विकेट ले चुके हैं। वेंकटेश अय्यर ने अपने शानदार प्रदर्शन से दिखा दिया है कि वो हार्दिक पांड्या का बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। भारतीय T20 की कप्तानी छोड़ने वाले विराट कोहली के अलावा जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा जैसी खिलाड़ियों को 17 नवंबर से शुरू होने वाली T20 वर्ल्ड कप से आराम दिया गया है। भारत की 16 सदस्य टीम में IPL 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ और सबसे अधिक विकेट लेने वाले हर्षल पटेल को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।